सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 22 सितंबर 2021 को लेकर के। जी हां, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा स्लोगन है स्टडी 11 नेवर गिव अप। तो आइए सबसे पहले हम शेयर करते हैं आपके साथ आज के विचार पर। आप आज का जो विचार है आपके लिए यही है कि गलतियाँ ही सिखाती है कि हम कैसे कैसे मेहनत कर रहे हैं। यानी गलतियों से पछतावा करने के बजाय गलतियों को फिर से न दोहराने की हमारी कोशिशें होनी चाहिए। और फिर यही है कि गलतियों से ही आदमी को सीख मिलती है। तो आइए इस कोटेशन को हम यहीं पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, दैट यू आर ट्राइंग, कि आप कोशिश कर रहे हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट द करंट क्वारंटाइन पॉलिसी दैट सब्जेक्टेड इंडियन ट्रेवलर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस टू अ क्वारंटाइन पीरियड ऑफ लास्टिंग 10 डेज। यानी किस कंट्री ने ये कहा कि चाहे आप 2 डोज क्यों ना ले लिए हो, आप जब आएंगे हमारे देश में तो आपको 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। यूके, यूएसए, फ्रांस, न्यूजीलैंड। द आंसर इज यूके। तो इसके जवाब में अभी जो इंडिया का जो स्टेटमेंट आया, पक्ष आया, वो यही था कि अगर यूनाइटेड किंगडम अपने फैसले पर विचार नहीं करती है तो इंडिया भी जवाबी कार्रवाई करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ रिकॉर्ड मोर देन 15 करोड़ टन। जी हाँ, मोर देन 15 करोड़ टन के होने की संभावना व्यक्त की गई है। तूर दाल क्रॉप, द पैडी, ऑयल सीड प्रोडक्शन, ग्राउंडनट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा पैडी होगा। सर जो आंसर होगा वो पैडी होगा। ये तूर दाल में भी इजाफा हो रहा है बट ऑयल सीड प्रोडक्शन और ग्राउंड नट में, इन दोनों में कमियां देखने को मिली हैं। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि पैडी जो है हमारा 15 करोड़ टन से ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। और तीसरा क्वेश्चन और यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन सिंस पार्टीशन हैज रिमेन्ड लार्जली स्टेबल विथ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स द टू लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स। यानी कि WHO, UNEP, IMF, द प्यू रिसर्च सेंटर। या किस इंस्टीट्यूशन ने ये कहा है कि पार्टीशन के समय जो रेशियो था हिंदू हिंदू और मुस्लिम का, वो आज भी वही रेशियो बरकरार है। तो इसमें किसने कहा है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें जो आंसर होगा वो है प्यू रिसर्च सेंटर। ये वाशिंगटन का एक इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने अपने सर्वे में बताया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या इनके इसमें है, 1992, 1998, 2005, 2015। तो यानी कि सभी इस धर्मों के जो यहाँ पर लोग हैं सबका जो बर्थ रेट है यानी कि फर्टिलिटी रेट सबका घटा है। 4.4 था जैसे मुस्लिम्स का, वो हो गया 2.6, हिंदूज का 3.3 से 2.1, क्रिश्चियन का 2.9 से 2 आ गया, बुद्धिस्ट का 2.9 से 1.7, सिख का 2.4 से 1.6 और जैन का 2.4 से 1.2। तो ये अभी का आंकड़ा है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। चलिए अभी आइए, इंदौर बिजली संयंत्र किस स्टेट में स्थित है। इंदौर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, और ये है तमिलनाडु में। एक्चुअली में न्यूज में आया है कि हाईकोर्ट ने उनके एक्सटेंशन पर कुछ रोक लगाई थी, तो उनके उसी पर है ज्यादा, और मैं उस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज हाइब्रिड वर्किंग मॉडल। जी हाँ, ये कहा है कि कोविड 19 के बाद से ये हाइब्रिड वर्किंग मॉडल
पर कंपनियां को काम कर रही है। और यह हाइब्रिड वर्किंग मॉडल है क्या, यानी एक्चुअली में यह इट इज अ लोकेशन फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट, यानी आप घर पे रहो या ऑफिस में रहो आपको काम करना है। तो इन दिस मॉडल कंपनी अलाउज एम्प्लॉय टू कंबाइन ऑन साइट एंड ऑफ साइट वर्क एंड देयर एम्प्लॉयर्स सीज फिट। तो यानी कि जैसा फिट समझे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, वो उसी तरह से वो काम करे एम्प्लॉय, चाहे ऑन साइट करे या ऑफ साइट करे। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो बोथ है और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर बोथ होगा, दोनों बातें सही है, तो इसलिए आंसर इज बोथ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड, लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर। जी हाँ, और ये है LCH, चीता, सारंग, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज LCH, यहाँ ये सबसे लाइटेस्ट है। और ये चीता, अभी चीता इसमें न्यूज में आया था कि अभी ये क्रैश कर गया था वहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में जो क्रैश किया था, हमारे दो जवान इसमें शहीद हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखते हैं कि वी आर चौधरी इज टू बी अपॉइंटेड एज एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज एयर चीफ मार्शल। जी हाँ, एयर चीफ मार्शल के आउटगोइंग कौन है वो आप बताएं, आउटगोइंग एयर चीफ मार्शल कौन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज कट इट्स फोरकास्ट फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन 2021-22 10%, 11%, 5.5%, 9.5%। आंसर इज 10%। जी हाँ, पहले इन्होंने कहा था 11%, अब कह रहे हैं कि नहीं, ये 10% ही रहेगा। सो आंसर इज 10। ये 5.5% पहले जो इन्फ्लेशन कहा गया था कि 5.2 होगा, तो अब हो गया है ये 5.5%, और जबकि RBI ने कहा था 9.5% हमारा ये रहेगा, ग्रोथ रेट रहेगा 9.5%, यानी RBI से ज्यादा ही कहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस हैज रिसीव्ड शेयर होल्डर्स अप्रूवल, शेयर होल्डर का इनका अप्रूवल इनको मिल गया है क्या करने के लिए, टू ट्रांसफर इट्स कार्गो लॉजिस्टिक सर्विसेज बिजनेस टू इट्स सब्सिडियरी फॉर 2555.77 करोड़, स्पाइस जेट, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को अपने कार्गो और लॉजिस्टिक सेवाओं के कारोबार को अपने सहायक कंपनी को 2555.77 करोड़ रुपए में हस्तांतरित करने की शेयरधारकों की मंजूरी मिली है, और यह है स्पेस जेट, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज स्पेस जेट, द आंसर इज सॉरी स्पाइस जेट, स्पेस जेट बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, स्पाइस जेट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, और ये है कि भारत ने 2021 की दूसरी तिमाही में रूफटॉप सोलर कितना जोड़ा है, इंडिया एडिट डैश ऑफ रूफटॉप सोलर इन क्वार्टर टू ऑफ 2021, 85 मेगावाट, 341 मेगावाट, 524 मेगावाट, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज 521 मेगावाट, यानी कि पिछले साल 2020 में ये था 85, और फर्स्ट क्वार्टर में ये था 341, और इस क्वार्टर में हो गया ये 521। तो हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में हमें जीरो कार्बन इमिशन की दरकार है। चलिए, जी हाँ, रूफटॉप सोलर कैपेसिटी एडिशन ये किसी भी क्वार्टर के लिए ये सबसे ज्यादा है, ये चीज कर रहा है अपन, रूफटॉप सोलर कैपेसिटी एडिशंस इन इंडिया इन क्वार्टर टू 2021
अप्रैल टू जून वेयर द हाइएस्ट इन अ क्वार्टर। नेक्स्ट आते हैं सर और देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, मुकेश अंबानी अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 बिलियन इन अ क्लीन पावर एंड हाइड्रोजन फ्यूल ओवर 3 ईयर्स। अडानी ग्रुप विल इन्वेस्ट 20 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूस द वर्ल्ड्स चीपेस्ट ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स कर लीजिए, बोथ नन ऑफ द अबव। यहाँ पर दोनों आंसर सही है, दोनों लोगों ने अपना कहा है कि हम वो ये कहा है कि हम 10 बिलियन खर्चा करेंगे तीन साल में, और ये कहा कि हम 10 साल में 20 बिलियन डॉलर हम खर्च करेंगे, हम लोग जीरो इमिशन, जीरो कार्बन इमिशन के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, एरोक्स स्कूटर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, बजाज, होंडा, सुजुकी, यामाहा। द आंसर इज यामाहा। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, जी हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, गुड नाइट।